गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास सिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने डाइवर्सिटी टॉपिक को डिस्कस किया था और एक जो समीर वन और टू की स्टोरी को स्टार्ट किया था, हम इस सेकेंड वीडियो में इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। कम टू द पेज नंबर 5। ओ, इट इज़ अ जस्ट समथिंग टू स्टडी। यह केवल स्टडी का यहाँ पर मीन बताया, सब्जेक्ट मीन्स होता है, ये स्टडी के लिए होता है। आई सैड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, मैंने यह उसे बताया और उसके बाद जो रेड लाइट थी वह स्टार्ट हो गई थी। आई आस्क हिम, मैंने उसे कहा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या कभी तुम स्कूल गए हो। नेवर ही आंसर्ड, नहीं, कभी नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने प्राउडली कहा, आई बिगन वर्किंग वैन आई वॉज सो हाई। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। उसने बहुत ही प्राउडली ये कहा, जो उनकी साइकिल थी समीर की, उनसे अपने आप को मेज़र कर मेज़रमेंट करके उसकी हाइट से कंपेयर करके उन्होंने ये बताया कि जब मैं इतना था तभी मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, और मैं पहले अपने मदर के साथ आता था पर मैं अभी जो वर्क है अपने आप कर लेता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, कि अब तुम्हारी जो मदर हैं वह कहाँ हैं। आई आस्क्ड बट दैट द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ, कि मैं उसे यह बताता, वह मुझे ये बताता बट जो लाइट थी वह चेंज हो चुकी थी। आई हैड हिम येल डाउन फ्रॉम समवेयर, मैंने बहुत कहीं दूर से उसे यह कहते हुए सुना, शी इज़ इन मेरठ विद द रेस्ट वॉज डॉन आउट, केवल यह सुना कि वह मेरी जो मदर हैं वे मेरठ में हैं और बाकी जो आवाज़ थी कहीं खो गई थी। माई नेम इज़ समीर, ही सैड द नेक्स्ट डे, उसने नेक्स्ट डे बताया कि मेरा जो नाम है वह समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर, और बहुत ही शर्म करते हुए उसने मुझसे मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ था कि उसका नाम समीर है। माई बाइसिकल वुबल्ड, जो मेरी बाइसिकल थी वह डगमगा रही थी। माई नेम इज़ समीर टू, कि मेरा नाम भी समीर, मैं भी समीर टू हूँ, मेरा नाम भी समीर है। आई सेड वॉट, क्या। हिज आईज लिट अप, उसकी आँखें जो थी वह चमक रही थी। येस आई ग्रिन एट हिम, मैंने उसकी तरफ उस मुस्कुराते हुए कहा, इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, क्या तुम जानते हो कि हनुमान जी के जो फादर हैं उसका ही एक मीन, उसका ही एक अर्थ है समीर। यू नो सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, तो अब से तुम समीर एक हो और मैं समीर दो। ही सैड ट्राइम्फेंटली समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड देन आई हेल्प आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ, और ये कहते हुए उसने कहा कि हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेसल इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, उसका हाथ जब उसने मेरे हाथ में दिया तब ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल बर्ड, एक छोटी सी बर्ड मेरे हाथ में हो। आई कुड स्टिल फील इट्स वॉर्म्थ एज आई साइकिल अवे, जब मैं साइकिल मैं जा रहा था तब भी मैं उसके हाथों की जो वॉर्मनेस, जो गर्मी थी उसे फील कर रहा था। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव दिस हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। नेक्स्ट डे जो स्माइल हमेशा उसकी रहती है वह ऐसे नहीं हंस रहा था। देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, उसने बताया कि जो मेरठ है वहाँ पर कुछ परेशानियाँ हो गई है, कुछ ट्रबल हैं। ही सेड मैनी पीपल आर बींग किल्ड देयर इन द रायट्स, उसने बताया कि कई लोगों को जो कई लोग हैं जो दंगे में मारे गए हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने जो हेडलाइंस थी उन्हें देखा। कॉमनल रायट्स, जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। इट ब्लेस्ड बट समीर, आई बिगेन आई एम ए मुस्लिम समीर, उसने ये कहा बट समीर ने उसे यह बताया कि वह मुस्लिम है। ही सैड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और जो हमारे जो भी लोग हैं वह सभी
मेरठ में है. हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा. ही वुड नॉट लुक अप, उसने मेरी तरफ नहीं देखा. ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद वह मुझे उस क्रॉसिंग पर नहीं दिखाई दिया उस दिन. नैदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, उसके अगले दिन भी नहीं और शायद कभी नहीं. एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और अब कोई भी मेरे लिए हिंदी और इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं दे रहा था. कैन टेल मी वेयर माई समीर दो, कोई भी न्यूज़पेपर मुझे ये नहीं बता सकता था कि जो मेरा समीर दो है वह कहाँ चला गया है. नेम थ्री वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो व डिफरेंट, ऐसे कौन कौन से थ्री वेज हैं जिनसे आप ये बता सकते हैं कि समीर वन और समीर टू डिफरेंट थे. डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या यह जो डिफरेंस थे यह उन्हें फ्रेंड बनने से रोक पाए थे. वाइल समीर एक इज मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो स्पीक हिंदी. समीर वन जो था वह इंग्लिश से फैमिलियर था, अच्छी तरह से वे इंग्लिश जानते थे, पर जो समीर दो थे वह हिंदी बोलते थे. ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, वे अपने घर पर डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते होंगे. दे स्टिल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, फिर भी उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया, बातचीत आरंभ की. दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दैम, उन्होंने वही ये एफर्ट किए कि उनके लिए बात करना कितना इम्पॉर्टेंट था. समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, समीर एक एंड समीर दो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड और कल्चरल बैकग्राउंड से आए थे, अलग अलग उनके धर्म और संस्कृति थी. वाइल समीर एक इज अ हिंदू, समीर वन जो था वह हिंदू था और समीर दो जो था वह मुस्लिम बैकग्राउंड के थे. डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट जो बैकग्राउंड्स हैं ये ही डाइवर्सिटी विविधता को बताते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज, समीर एक एंड समीर दो एक लिस्ट बनाइए फेस्टिवल्स की कि समीर वन और जो समीर टू थे वो वह कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे. कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, क्या आप ऐसी सिचुएशन कोई बता सकते हैं जब आपने किसी को अपना फ्रेंड बनाया हो और वो डिफरेंट बैकग्राउंड का हो. राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस, ऐसी स्टोरी लिखिए जो ये डिस्क्राइब करती हो. इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पर जो डाइवर्स रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं ये डाइवर्सिटी को बताते हैं जो कि समीर वन और समीर टू में थी. फॉर एग्जाम्पल वाइज समीर एक गोज टू स्कूल, समीर टू सेल्स न्यूज़पेपर, जो समीर वन जो थे समीर एक जो थे वह स्कूल गए थे और समीर टू जो थे समीर दो वह न्यूज़पेपर सेल करते थे. वाई डू यू थिंक समीर टू डिड नॉट अटेंड स्कूल, क्या आपने कभी सोचा है समीर दो ने स्कूल कभी क्यों नहीं अटेंड की होगी. डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वॉन्टेड टू, कि उसके लिए ऐसा ईजी क्यों नहीं था स्कूल को अटेंड करना. इन योर ओपिनियन इट इज़ ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट, कि कुछ ये आपकी राय बताइए कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए स्कूल नहीं जाने की कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि वह स्कूल नहीं जा पाते हैं. समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर दो जो थे उनको स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था. परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वेयर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव. आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास के एरिया में कि कुछ ऐसे पीपल हैं जो काफ़ी पुअर हैं, काफ़ी गरीब हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए फूड नहीं होता है और पहनने के लिए कपड़े और यहाँ तक कि रहने के लिए
घर भी नहीं होता. दिस डिफरेंसेस इज नॉट द सेम एज द वन ऑफ वी हैव सीन. ये डिफरेंस वो नहीं है जो अभी हमने इस स्टोरी में देखे हैं. Earlier here we are talking not of difference but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to other persons. यहाँ पर हम केवल यह नहीं बता रहे हैं कि वह डिफरेंस जो कि diversity के थे, विविधता के थे, यहाँ पर inequality के बारे में discuss किया जा रहा है, जो कि resources जिन persons को, जो people हैं उन्हें resources या opportunity अदर्स पीपल्स के कंपैरिजन में नहीं मिलती हो, इसे इनइक्वालिटी, असमानता कहा जाता है. तो नेक्स्ट ये इनइक्वालिटी टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.